हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देख लेते हैं सेनको गोल्ड लिमिटेड को। तो आज डे आर्ली टीएफ पे अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है स्टॉक में और क्लोजिंग अच्छी हुई है स्टॉक की। तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट तो दिखाई दिया है स्टॉक ने। क्विकली चार्ट एनालाइज कर लेते हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें कहा था कि सेनको गोल्ड एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है, तो ऐसा कुछ स्टॉक निकल रहा था और अपना कप तो तैयार हो ही गया। अब आप देखोगे तो हैंडल भी बनने को जा रहा है। हैंडल बनते ही स्टॉक इस तरह से ऊपर निकल जाएगा, तो ये इसका पैटर्न बन रहा था। और जिन लोगों ने इस पैटर्न को फॉलो किया उनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। कुछ लोगों ने पैनिक से वजह से स्टॉक को बेच दिया है, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे सेनको को लेके। तो ये ऐसे स्टॉक हैं कि सेलिंग करके आपको बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि आईपीओ के बाद जाहिर सी बात है बहुत से स्टॉक अगर ऊपर नहीं निकलते हैं तो प्रीमियम के बाद लिस्ट होने के बाद नीचे की दिशा पकड़ लेते हैं, और सेनको भी वही कर रहा था। कोई अलग नहीं था ऐसे स्टॉक में भी, फ़र्क बस ये है कि लोग पहचान नहीं सके। और कुछ लोगों ने 370 के अराउंड स्टॉप लॉस कर दिया, किसने 358 के अराउंड। तो ये सीन रहा है लोगों का कि स्टॉक में स्टॉप लॉस ऑलरेडी लग चुके हैं। अब जब सेनको ऊपर भाग रहा है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि इस चार्ट में कि सेनको ने एक बुलिश मोमेंटम दिखाया, 424 के अराउंड पर रेजिस्टेंस फेस हुई है। नई रेजिस्टेंस नहीं है, पहले भी इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस हुई थी स्टॉक को, यहीं से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाए थे। अब जो सीन चल रहा है स्टॉक का, तो स्टॉक आप पाओगे कि नीचे जा रहा है, अब फिर से दिशा ऊपर की तरफ बढ़ाएगा। यहाँ से कुछ ऐसा सा निकलेगा स्टॉक, ये दिशा पकड़ेगा और यही इसी ट्रेंड लाइन के सहारे स्टॉक ऊपर जाने वाला है, क्योंकि ये हैंडल बन जाएगा। कब है कब का इसका पैटर्न कंप्लीट हो गया, हैंडल साथ में बन जाएगा तो बस पूरा पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। एक दो दिन में आप पाओगे कि स्टॉक 425 के लेवल पे फिर से पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी लेवल पे स्टॉक को रेजिस्टेंस पहले फेस हुई है, तो यहाँ आप फिर से स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस ज़रूर होगी। इसके ऊपर जब निकलेगा तो फर्दर टारगेट डिसाइड होंगे, वो 444 के रहेंगे, उसके बाद वो हर्डल फेस होने के बाद ऊपर निकलेगा। तो अभी जिस लेवल पे है इस लेवल पे आपको नज़र रखनी होगी, क्योंकि क्लोजिंग तो अच्छी हुई है स्टॉक की, बुलिश मोमेंटम पे हुई है, तो कहीं ना कहीं कल स्टॉक को उठना चाहिए। आज जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है तो वो ग्लोबली सेलिंग प्रेशर है, कहीं ना कहीं उसके वजह से हर एक स्टॉक नीचे देखने को मिले हैं, बट सेनको पे उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है। क्योंकि सेनको अभी आप देखोगे तो इसीलिए गिर रहा था क्योंकि यहाँ ऊपर को उसको रेजिस्टेंस फेस हुई थी और उसका पैटर्न कंप्लीट हो रहा था, यही रीज़न था कि सेनको गिर रहा था और डे एंड पे बुलिश कैंडल देखने को मिली है। बाकी स्टॉक पर निफ्टी का ज़्यादा असर रहा है, बट सेनको उतना अफेक्ट नहीं पड़ता है, वो अपना बस पैटर्न कंप्लीट कर रहा था। तो कोई ऐसी पैनिक वाली बात नहीं है सेनको को कि आप बेच दें अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है। लोगों के कमेंट आ रहे थे 300 पॉइंट निफ्टी गिर गया तो क्या होगा स्टॉक के, और भी नीचे जाने वाला है क्या। तो ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि 20,000 ऑलरेडी निफ्टी चल रहा है, तो क्या 200-300 नीचे नहीं दिखा सकता, वो अपने आंकड़े बेसिक दिखा सकता है। क्योंकि जब इतने आगे स्टॉक जाता है तो कहीं ना कहीं ग्लोबल कोई न्यूज़ ऐसी चलती है, गिर सकता है, करेक्शन ले सकता है, छोटा सा कोई गैप फिलिंग होती है वो भी कर सकता है। तो ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन में आपको अपने पेशेंस नहीं खोने चाहिए, कहीं ना कहीं वो आपको होल्ड करके रखने चाहिए। अब आप देखोगे कल को दो दिन बाद सेनको फिर भागते हुए दिखेगा 426 के लेवल तक, तो आप कहोगे कि लो अब सेनको निकल गया और मैंने बेच दिया था पहले ही पैनिक की वजह से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिलहाल टारगेट स्टॉक के ऐसे ही रहेंगे जैसे फिबोनाची पे आपको दिख रहे हैं, ये स्टॉक का पहला टारगेट रहेगा 400 के अराउंड, फर्दर ये क्रॉस होता है तो 412 आएगा, फिर 425 आएगा, ये महत्वपूर्ण रहेगा, यहीं से रेजिस्टेंस फिर से फेस हो सकती है। और अगर कल को कोई और बड़ी सेलिंग आती है स्टॉक में तो फिर आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है 379, फर्दर फॉल होता है तो इस लेवल तक जाएगा, तो यहाँ आपको समझ आ जाना चाहिए। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए, वो आपकी दिशा निर्धारित कर देते हैं, बता देते हैं कि अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप एग्जिट हो जाते हो उस हिसाब से, वरना जिस हिसाब से आज मार्केट में फॉल दिखा है तो बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे, नहीं होंगे तो लॉस में चल रहे होंगे। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।